मेरा दोस्तों आपके यहाँ जो उमेन भी आ रहा हूँ, जितेन भी आ रहा हूँ, क्या उनको रुपया नहीं बच्चा दान किया जाइएगा? क्या वो दोस्त जिसने इन हालात का नाजायज फायदा उठाकर हिंदुस्तान के तख्त पर कब्जा कर दिया, वो जनता पार्टी 2.5 वर्ष में टुकड़े टुकड़े हो गई दोस्तों, पार्टी उखड़ गई, सेंटर में सरकार कांग्रेस की बन गई, लेकिन जो सूबों में सरकार थी उसने यहाँ पर कदम ताम शुरू कर दिया। पार्टी कांग्रेस आई हो उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि अगर उन्होंने अब ठीक ढंग से काम न किया, अगर उन्होंने अब भी हिंदुस्तान के वली के इलाके वालों से कुछ गलती हो गई तो उन्होंने उल्टे तरफ वोट दे दिया। अब एक मौका मिला है कि अगर कोई भी गलती हुई थी उस गलती को सुधारने का। उत्तर प्रदेश की खतौली की तरक्की चाहते हैं कि नहीं? अगर आप तरक्की चाहते हैं तो तरक्की सिर्फ एक स्थायी सरकार दे सकती है, एक मजबूत सरकार दे सकती है जो आपस में ना झगड़े। जो केंद्र जनता पार्टी कर रही थी साजिश इजराइल से, पहले इनकार कर दिया, अब जब कागज सारे सामने आ गए, सरकार गई 77 में तो 50 लाख टन चीनी था भंडारों में, 50 लाख टन चीनी छोड़ गई थी। जनता पार्टी आई, चाहे जिस नाम से उसे पुकारें, क्योंकि अब कई नाम से जनता पार्टी आती है, 3-3.5 रुपए क्विंटल में गन्ना बिक रहा था, और जो रद्दी लकड़ी। लेकिन ये भी आप जानते हैं कि गन्ना जो अब बोया है वो अभी फसल तैयार तो नहीं है, फसल हम एक करा। आपको याद होगा जब भी हिंदुस्तान की लड़ाई हुई है, हिंदुस्तान की महिलाओं ने अपने हवा मिले, 3 साल इनको बहुत बढ़ावा मिल गया। अब आपको चुनना है कि आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान की गरीब जनता को बढ़ावा मिले, हिंदुस्तान के मजदूर को बढ़ावा मिले, हिंदुस्तान के हरिजन। बाकी सरकारी महकमे सबसे कहते हैं कि उसकी जांच जितनी जोरों से हो सकती है और जो भी हो सकता है इसका पूरे जोर से करा जाए। आपका प्यारा निशान है, आपका पंजा, आपके पंजे पर मोहर लगाना है और भाई बरंगों की कामयाब बनाना है। आई कांग्रेस के लिए किसानों का खड़ी फसल थी गन्ने की, वो खड़ी फसल जला देनी पड़ी क्योंकि जनता पार्टी ने गन्ना खरीदने से इनकार कर दिया था। ये हालत थी, अच्छी सरकार आई है। और अगर खिचड़ी सरकार बनी रही तो आपस में झगड़ते रहेंगे, हिंदुस्तान गरीब रहेगा, हिंदुस्तान पिछड़ा रहेगा, तो विदेश से Oh!
कमी नहीं हुई। 3 साल जनता पार्टी हुई, 3 साल में सारी कमी आ गई। ये जो 130 क्विंटल स्वर्ण जमा था, 6 सरमाएदारों को दे दिया और ये भाव जो एक पार्टी के खिलाफ थे, कांग्रेस के खिलाफ, क्या वो जानते हैं तरक्की होगी, गरीबी दूर होगी, किसान मजदूर आगे बढ़ सकेगा, ऊपर उठेगा, फैसला जरूर हो जाएगा। लेकिन फैसला आपके ऊपर है, आप गहलोत साहब को जिताएं, एक मजबूत अपना नुमाइंदा जिताएं। ¡Gracias!